हाउ डियर सर, गुड आफ्टरनून। ये आपका पार्ट छः बिना कर बोल आप पास में हिंदी का एक जो चल रहा है आपका, इसमें अभ्यास का प्रश्न है। अभ्यास का प्रश्न आपका दूसरा पहला हो गया था, दूसरा पड़ेगा को इसमें आपका पहला है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। दूसरा का आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक बेटा, कौन है चिंटू बच्चों के पीछे पीछे क्यों चल रहा है? नंबर को तेरा चिंटू बच्चों के पीछे पीछे क्यों चल रहा है? बच्चों के पीछे 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 जो है पीछे पीछे ठीक है। बस किंतु जो है खरगोश घना खरगोश बच्चों के पीछे पीछे क्यों चल दिया? चिंटू जो है बच्चों के पीछे पीछे क्यों चले बेटा? क्योंकि जब उसने जब वो घूमने के लिए सड़क पर गया था तो रास्ते में उसने बहुत से छोटे बच्चों को देखा था और वे जो है नहा धोकर सुंदर कपड़े पहन कर कंधे में बस्ता टांग कर नहीं जा रहे थे। ठीक है, खरगोश को यह सब बहुत अच्छा लगा। तो अपनी कहते हैं कि चिंटू को बच्चे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, चिंटू को बच्चे जो है बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहना था और नहा धोकर के कंधे पर बस्ता लेकर के तैयार रहे थे। तो देखेंगे चिंटू को बच्चे बहुत अच्छे लगे किंतु वो बच्चे बहुत जो छोटे बच्चे थे बहुत अच्छे लगे इसलिए वह बच्चों के पीछे पीछे चल गया। इसलिए वह बच्चों के पीछे पीछे चल ठीक है। उनका पहनावा, उनका ड्रेस, साफ सफाई, कंधे पर बस्ता, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, सुंदर लगा चिंटू को बच्चे बहुत अच्छे लगे इसलिए वो बच्चों के पीछे पीछे चल रहा है। या कैसे लगे इसका सो है नंबर छ आपका कि अध्यापक जी ने नन्हे चिंटू को क्या दिया? अध्यापक जी ने नन्हे चिंटू को
अध्यापक की ने अपने शिशु को क्या किया? अध्यापक जी ने नन्हे चिंटू को क्या दिया? जब वो बेटा बच्चों के पीछे पीछे स्कूल में गया, तब जो है कक्षा अध्यापक जो पढ़ाने की कक्षा में आए थे, उन्होंने जब उसे पूछा कि अरे नन्हे खरगोश तुम भी पढ़ोगे, तो उसने गर्दन हिला कहा था हाँ। अध्यापक जी ने उसे रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर किताब दी। क्या कहेंगे? अध्यापक जी ने उसे अध्यापक जी ने नन्हे चिंटू को रंग बिरंगे चित्रों वाले रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी किताब ठीक बेटा करेक्ट। अध्यापक जी ने मैंने चिंतु क्या किया? तो अध्यापक जी ने मैंने चिंतु को रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर किताब दी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, चिंटू की किताब में जंगल से जानवरों ने क्या देखा? चिंटू की किताब में जंगल के चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने क्या देखा? चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने क्या देखा? तो बेटा जब चिंटू की किताब जो है वह लेकर के छुट्टी होने के बाद अपने घर की ओर चल दिया और जंगल में आकर उसने रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब सबको दिखाई। हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी और मोर सबने अपने चित्र देखे। सबने क्या देखा था? सबने अपने चित्र देखा, अपना अपना सभी लोगों ने उस किताब में अपने चित्र देखे। तो ऐसे देखेंगे चिंटू की किताब में उत्तर होगा आपका चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने अपने अपने चित्र देखे, अपने चित्र
ठीक है, चिंटू की किताब में जंगल के जानवरों ने अपने अपने चित्र देखे। ठीक बच्चों, यह जो है आपका अभ्यास का प्रश्न था, समाप्त हो गया। चौथा का तीन प्रश्न थे, इसको आप लोग अपने कॉपी पे राइट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। और इसका आपका शब्द बोध, आपका शब्द बोध बोल सही शब्द लेकर वाक्य को पूरे कीजिए। सही शब्द लेकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। शब्दबोध में है आपका पहला, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क आया का खरगोश घर की ओर चल, क है खरगोश खरगोश घर की ओर बेटा खरगोश घर की ओर चल आया। पे खाली स्थान दिया है, दिया या दी लिखा है, चल के बाद आपका है खाली स्थान, यहाँ पे आगे आपका है दिया या दी, इन दोनों में जो है जो साइन शब्द है उसको लिख करके इस बात को पूरा करना है बेटा। तो खरगोश अब घर की ओर, खरगोश घर की ओर चल दिया, क्या होगा आपका, चल दी नहीं होगा बेटा, खरगोश घर की ओर चल दी ये नहीं होगा आपका, क्या होगा खरगोश घर की ओर चल दिया, ऐसा जाएगा आपका चल दिया, खाली समय भरेंगे दिया, ठीक है ये हो जाएगा। तो है खरगोश घर की ओर चल दिया। ख है मास्टर जी कक्षा में मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने कक्षा में पढ़ाने आगे आपका है बॉक्स में पहुंचा या पहुंचे, पहुंचा या पहुंचे, ठीक है पहुंचा या पहुंचे। तो आप बेटा क्या बनेंगे कि मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने पहुंचे होगा, पहुंचा नहीं होगा, ठीक है मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने पहुंचे। मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने पहुंचे, ठीक है यह जगह तो वो है छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे, छोटे छोटे बच्चे कहीं, छोटे छोटे बच्चे कहीं जा
रहे, छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं या है। एक है और एक है ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं हो जाए, छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं ठीक है। तो आप छोटे छोटे बच्चे कहीं जा रहे हैं ठीक बेटा, ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप याद कर सकते हैं कि आपको इसमें यहाँ पर दिया और यह का पहुंचे और यह का है, इस तरह से ये तीनों जो है दिया पहुंचे और है। तो भाव है, भाव क्या है आपका, चिंटू शहर में जा चिंटू शहर में जा खाली सर पहुंची या पहुंचा, पहुंची या पहुंचा ठीक है, पहुंची या पहुंचा। चिंटू जो है मेल है ठीक है, खरगोश था तो क्या हो जाएगा पहुंचा, मेल ठीक है, मेल है पुलिंग है तो आपका हो जाएगा पहुंचा। तो चिंटू शहर में जा पहुंचा, चिंटू शहर में जा पहुंचा, या था राइट आंसर होगा ठीक बेटा, याद रखना जाएगा पहुंचा ठीक है। इस तरह से आपका ये अपन पाठ छह महीना खरगोश का अब बोल समाप्त हो गया बेटा। आपको आज हमने अभ्यास के प्रश्न में आपका लिखित प्रश्न उत्तर दीजिए, तीन था इसमें दूसरे में वो अब करा दिया गया, और शब्दबोध में आपका सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए यह आपका कर दिया गया। इसको जो है आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे और इसको डन कर लेंगे बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन का व्याकरण बोल सेशन का जो है व्याकरण बोल करूँगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।